वार्म मैं फिर से आ गया हूँ गांव की हालचाल बताने। आज देखिए बारिश अभी हुई थी इसलिए पीछे का नजरिया कैसे सुंदर पूरा है। आज हम लोग देखने वाले हैं ये जो पानी मिलता है खेतों में, जब धूप होती है तभी किसानों लोग को पानी नहीं मिलता, इसलिए इधर एक कुआं बनाया गया है। आइए मैं अभी कुआं को दिखाता हूँ। देखिए ये रहा वो कुआं, ये पानी तो कितना अच्छा है, ये तो पीने के लायक है। जितने सारे इधर किसानों लोग रहते हैं वो लोग इधर से ही पानी पीते हैं। देखिए किसानों लोग अभी जितने काम कर रहे हैं वो लोग इधर से ही पानी पीते हैं। ये जो कुएं का पानी है बहुत अच्छा है, ये बारिश के दिन में ऐसे ही रहता है फुल, और धूप के दिन में मतलब थोड़ा सा नीचे चला जाता है पानी, लेकिन सब लोग इससे ही पानी पीते हैं जो जो खेती करने आते हैं। देखिए इधर मेरे पीछे ही और एक इंसान खेती कर रहा है, देख लीजिए, और मेरे आगे भी बहुत सारे जन खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कुएं के पास ही एक पेड़ है, इधर ही देख लीजिए एक पेड़ इधर है। देखिए ये पेड़ जो है इधर, जो लोग थक जाए इसके नीचे आके बैठ जा सकते हैं क्योंकि इससे छाव मिल सकती है। जब भी धूप होती है सुबह सुबह जिसको गर्मी लगती है इधर आके नीचे बैठ जाता है, नहीं तो जिस जिसको गर्मी नहीं लगती वो जाके खेती में काम कर सकते हैं। अभी जितने लोग इधर काम कर रहे हैं वो आपके मेहनत के लिए ही कर रहे हैं, आपको अभी जितना सारा खाने का चीज़ मिल रहा है वो किसान लोगों के वजह से है। अभी किसानों लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग को दाल चावल ये सब कहाँ से मिलेगा, इसलिए देखिए किसानों लोग दिन रात बस काम ही कर रहे हैं। किसानों लोग इतने हम लोग का आशीर्वाद करना चाहिए। किसानों लोग हम लोग को इतना सारा चीज़ खाने के लिए देते हैं, अभी हम लोग तो उनके लिए ही तो बचे हैं, नहीं तो हम लोग अब तक मर भी जाते। देखिए कितने मेहनत कर रहे हैं दिन रात ऐसे ही, वो लोग के लिए ही हम लोग अभी बचे हैं। देखिए अभी कितने सारे इधर काम कर रहे हैं, सोचिए सुबह से लेके शाम तक। पानी टेस्ट करते हैं ये पानी कैसा लगता है, आइए। वाओ ये तो बहुत ही अच्छा पानी है, ये पानी अच्छा है, इसे आप लोग पी भी सकते हैं। मैं अभी पी के दिखाया, जैसे कि देखिए आइए मेरे साथ, देखिए चावल कैसे उगाते हैं, आइए मेरे साथ आइए। बारिश की वजह से चलना मुश्किल हो रहा है, देखिए ये रहा, ये जो लोग खाते हैं इसे धान बोलते हैं, उड़ीसा में इसे धान बोलते हैं। देखिए पहले ये ऐसा होता है, फिर जाके ये जो दिख रहा है इसे लगाया जाता है। मेरे को आगे कुछ ज़्यादा नहीं पता इसलिए मैं जितना बोल सकता हूँ उतना बोल रहा हूँ। इसे ऐसे लगाने के बाद, ऐसे देखिए ये इसे लगाने के बाद ये बड़ा होके बहुत सारा चावल बन जाता है। देखिए ये ऐसा है, देखिए ये ऐसा है, ऐसा इसे पूरा ये जो जितना है ना इसमें लगाया जाता है, इसमें लगाने से ये बड़ा होके चावल बन जाता है, मतलब जिसमें उड़ीसा में वो लोग धान बोलते हैं। देखिए अभी जैसे कि उधर देख रहे हैं, अरे वाह इसे कितना अच्छे से बांधा गया है, देखिए पूरा पास जाके इसे कितना अच्छे से बांधा गया है। ऐसे ही सारा ऐसे जो है इधर जितना सारा ये ऐसा है, देखिए जैसे कि ये भी कितना अच्छे से बांधा गया है, इससे पानी भी टपक रहा है। इसे थोड़ा थोड़ा करके सारा जगह में लगाया जाता है इसलिए इधर इतना सारा है। देखिए वो रहा जिसमें वो लोग वो जो आइए मैं
आपको और एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ये रहा वो चीज जिससे ये जो है, ये जो ऐसा रहता है और जो गाय है, ये गाय को उसको ये आगे के साइड लगा के जब इधर पानी नहीं होता, सूखा हुआ रहता है, तब इससे हल बुलाते हैं। उसमें ओडिया में हल बोलते हैं। ऐसे ऐसे ही पूरे जगह में ऐसे करते हैं, फिर जाके उसमें पीढ़िया छींचते हैं, जो ओडिया में बोलते हैं पीढ़िया, मतलब वो जो धान बड़ा बड़ा हो। इसीलिए आइए और कुछ भी मैं दिखाता हूँ। ऊपर से देखेंगे तो आपको कितना सुंदर लग रहा है, इसे ऊपर से एक पौधा जैसा लग रहा है आपको, लेकिन ये बड़ा होके बहुत सुंदर दिखेगा। आइए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसके दो साइड गाय रहते हैं। गाय के जो गले के ऊपर दो एक लकड़ियाँ रहती है, फिर जाके उसे बीच से ऐसे बांधा जाता है। गाय जब ही चलती है तभी ये भी ऐसे पीछे 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 ऐसा आता है। आप देख सकते हैं इसका ऐसा रहता है। देखिए ये ये जो है सारा, मतलब ये जो बंडल है, अभी ये जो आंटी है इसे पूरा बांध के लगा रही है, मतलब फिर जाके ऐसा करा जाएगा। आइए अभी ये आंटी से पूछते हैं इन्हें करने में कितना दिन लगता है, लेकिन ये आंटी को ओडिया आता है, हम लोग इन्हें ओडिया में पूछेंगे। आइए कितने दिन लगे धान के तल उठा जैसे कि आंटी अभी बोल रही है 2-4 महीना लगेगा इधर चावल लगने में। तब तक हम लोग ये आंटी को दिखाते हैं कैसे ये आंटी कर रही है। हाँ कैमरा डाको टिके देख ना ना देखो ना वहाँ हुक्का बुझी रहा है। चलो 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 ये आंटी जो है बारिश के बचने के लिए ये रिंकोट और ये तल्लारी बोलते हैं ओडिया में। देखिए मैं इसे पहन के दिखाता हूँ, इसे धूप से ना बारिश से बचने के लिए इसे लगाते हैं ऐसे। और इसका ये जो डोरी दिख रहा है ऐसे इसे सिर में ऐसे लगाते हैं ऐसे। देखिए अभी इसे ऐसे लगाएंगे कि जाके हमारा ऐसा हो गया। अभी हम लोग धूप हो या बारिश हो हम लोग कैसे भी काम कर सकते हैं। देखिए इसे ऊपर के साइड से देखिए ये कैसा पूरा गोल गोल है। देखिए इसके ऊपर के साइड से पूरा ऐसा है। ताल का जो ये जो अंदर का है ये ताल के पत्ते से बना है पूरा अच्छे से। देखिए आप पूरा पास से देखिए ये जो है ये इसके अंदर ये ताल के पत्ते से बना है। देखिए इसका ऊपर का साइड भी ताल के पत्ते से ही बना है। के लिए इतना ही, अभी शाम हो गई है इसलिए हमको घर जाना है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताने का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय जगन्नाथ।